आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर ऐसे फैक्टर है जिसके कारण आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है, और इसका किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट लेना है, क्या क्या फॉलोअप करना है, कौन सा टेस्ट करवाने, इन सब विषयों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर बता देते हैं कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपकी जो डिलीवरी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत रखी जाएगी। तो सबसे फर्स्ट कारण है कि अगर आपका पूर्व में प्रसव हुआ हो ऑपरेशन के द्वारा, मतलब सी सेक्शन हुआ हो, सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत रखी जाएगी। चांसेस है यहाँ पे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेकेंड बी सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हो। देन सेकेंड नंबर कारण ये है कि आपका जो पूर्व में डिलीवरी हुई हो नॉर्मल हुई हो, उसमें अगर आपको अधिक रक्त स्त्राव हुआ हो तो भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। देन पूर्व में आपका जो बच्चा जन्मजात विकृति, मतलब कि कंजेनाइटल एनोमली रही हो, या फिर बच्चा मृत हुआ हो, मतलब कि स्टील बर्थ हुआ हो, तो भी यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। देन बात करते हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन स्तर कम है, HB कम है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। देन बात करते हैं, क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन स्तर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको आयरन फॉलिक एसिड या फिर आयरन सुक्रोज की बॉटल या ड्रिप लगवानी पड़े तो वो नियमित रूप से आप अपने टेस्ट करवाकर लगवा सकते हो। ओके, खून की कमी भी नहीं होनी चाहिए, अगर खून की कमी होती है तो भी आपकी प्रेगनेंसी क्या होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। देन बात करते हैं अगर आपका बच्चा उल्टा है या आड़ा है, मतलब कि ब्रिज प्रेजेंटेशन है या ट्रांसवर्सलाई है, तो भी यहाँ पर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर अगर महिला का वजन 45 किलो, मतलब 45 किलो से कम है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। देन बात करते हैं अगर आपका यहाँ पे एज 18 साल से कम है या 45 साल से ऊपर है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आने वाली है। तो ये सब कारण है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। देन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जैसे कि ट्विंस डिलीवरी या ट्विंस बेबी हो, USG के थ्रू पता हो कि दो बच्चे हैं, या फिर मल्टीपल बेबीज है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी क्या होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं अगर आपको मलेरिया या फिर पीलिया इस टाइप के कोई डिसीज हुई हो या डिसीज है, जैसे मलेरिया हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, पीलिया हो गया है, तो भी आपकी जो प्रेगनेंसी है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर पूर्व में आपका कोई अबॉर्शन हुआ हो, मिसकैरेज हुआ हो, तो भी यहाँ पर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका BP, मतलब कि रक्तचाप, उच्च रक्तचाप हो, हाई BP हो, तो यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी जो है ये क्या हो जाती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। यहाँ पर आपका BP मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका BP बढ़ रहा है तो उचित तरीके से आपको इसके लिए टैबलेट्स वगैरह लेनी चाहिए। और बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान अगर डायबिटीज़ हुई हो, या फिर पूर्व में या पहले से अगर आपको डायबिटीज़ है, तो भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आते हो। ओके, और अगर आपका 8वें महीने के बाद या 8.5 महीने के बाद आपको प्रसव पीड़ा रह रही है, प्रसव जैसे दर्द आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। सो गाइस, ये सब चीज़ जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं कि ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत अगर इनमें से किसी भी प्रकार का कोई कारण है तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है और क्या आपको फॉलो करना है, किस तरीके से नियमित चेकअप करवाने। तो देखिए, अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण लगते हैं तो आप लोग जो भी हेल्थ फैसिलिटी पास में हो, या फिर जो भी क्लिनिक हो, जो गायनेकोलॉजिस्ट हो, या फिर जो हॉस्पिटल है जो आपके पास है, नियरेस्ट है, आप जाकर वहाँ अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए, जिस तरीके की आपको डिजीज़ है या फिर जो प्रॉब्लम आप में समझ में आ रही कि हाँ भाई हमें ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, 9 मंथ तक प्रॉपर तरीके से आप अपना फॉलोअप करवाइए। उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार प्रसव पीड़ा अगर आपको स्टार्ट होती है तो सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पर अपना उपचार कराइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो अपने तरफ से अपनी सारी फाइल दिखाइए। सभी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं 9 मंथ के वो आपको दिखाना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उन सब चीज़ों के बारे में खुल के आपको बताना है, ताकि सामने वाले को भी पता हो कि किस तरीके की आपको प्रॉब्लम है, या फिर क्या आपके साथ हुआ है या क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सारा डिस्कस करना है, ओके, और नियमित रूप से अपना चेकअप करवाना है और सारे टेस्ट करवाइए। सो गाइज, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो।